एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एनडीए की बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ है। तो उस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, आज एनडीए की अहम मीटिंग थी। इस मीटिंग के बाद सबने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद से अपना इस्तीफा दिया था, जो कि राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया था। आज एनडीए की एक अहम मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में सबने सर्वसम्मति से पीएम मोदी को अपना नेता चुना है। इस बारे में आई और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता कमलेश सिंह से। कमलेश, ये बताइए और क्या ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, एक प्रस्ताव रखा गया एनडीए की बैठक में। प्रस्ताव में लिखा गया है कि एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से काम कर रहा है और गरीबों और खासकर जो गरीब तबका है, खासकर अनप्रिविलेज सोसाइटी है, उनके लिए लगातार काम कर रहा है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को खुशी हो रही है कि एक बार फिर आप नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने को, ताकि एनडीए फिर विकास करते रहे और विकास की गति का कार्य ठीक से आगे बढ़ाते रहे। और ये भी लिखा गया है कि हम लोग इस ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फिर एनडीए का नेता चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अगले 5 साल तक इसी तरह एनडीए और देश की सेवा करते रहे। जी, प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बताइए क्या शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? क्या ये 8 जून को ही होगा? यहाँ की जो जानकारी है कि 8 जून को ही राष्ट्रपति भवन को कहा गया है कि उस जो राष्ट्रपति भवन का जो दरबार और उसको खाली रखा जाए। और जानकारी भी मिली है कि पहले ये तय किया गया था कि 5 से 9 के राष्ट्रपति भवन को कहा गया था कि आप किसी तरह की एक्टिविटी नहीं रखें, और आम आदमी को राष्ट्रपति भवन बंद कर दिया गया था। लेकिन 9 तारीख को चूंकि चंद्रबाबू नायडू जो TDP के नेता है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आंध्र प्रदेश में, लिहाजा 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है शाम में। और उससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, पार्लियामेंट बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी, जिसमें की विधिवत रूप से प्रधानमंत्री को नेता चुना जाएगा। जी, बताइए कि क्या लग रहा है, अब से कितनी देर में क्या आज ही एनडीए के घटक दल के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे? देखिए, जानकारी यही मिली कि एनडीए चूंकि आप समर्थक पद प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया, इसी कुछ ही देर में हो सकता है कि प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता समर्थन पत्र लेकर राष्ट्रपति से मिले और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करें, ये जानकारी मिली है। लेकिन अभी तक राष्ट्रपति भवन को तो अभी तक ये कोई इंडिकेशन नहीं है, तो जाहिर सी हो सकता है कुछ देरी हो सकती है, लेकिन जानकारी है कि आज ही एनडीए के तमाम नेता मिलकर राष्ट्रपति से सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे।